तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपने फोटो को लगाकर इस तरह से वीडियो को बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फर्स्टली साइज को सिलेक्ट करना है, जो 16:9 है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस जगह डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ से आगे आ जाना है। ठीक है, आगे आ जाने के बाद आपको यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपका फोटो होना चाहिए PNG। अगर आपको PNG फोटो बनाना नहीं आता है तो आपको करना क्या है, तो मैंने एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर अपने फोटो को इजीली आप PNG बना सकते हैं। तो PNG बना लेने के बाद आपको यहाँ से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि नीचे साइड इसको पूरा बढ़ा देना है, इस तरह से खींच के। ठीक है, इस तरह से बढ़ा लेना है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, मैंने सारा काम आपका कर दिया आसान, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आपको आगे बढ़ा लेना है, जहाँ से आपको फोटो ऐड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ से 7 सेकंड से रख लेते हैं। ठीक है, 7 सेकंड पे रखने के बाद आपको यहाँ से कैच वाले पे जाना है। कैच वाले पे जाने के बाद आपको ट्रैम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट पे क्लिक करना है, यानी फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद मैं अपने फोटो को रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ से इस जगह पर अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, तो अगर आपको अपने फोटो को कट उट करना हो तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से क्रॉपिंग वाले पे जाना है, आपको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। ठीक है, अगर आपको करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप ठीक है ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद उसको इस जगह पे अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, इस जगह पे अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से इन एमिनेशन में आना है। इन एमिनेशन में आने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इंटर स्लाइड अप पे कीजिएगा। उसके बाद नीचे टाइमिंग का ऑप्शन आएगा, टाइमिंग आपको रख लेना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 2.5 रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। सही कर लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग चलाकर अब चेक लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे वीडियो तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ से बैक हो जाना है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ से कट कर लेना है। इसको कट कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पिक्सेल एप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पिक्सेल एप एप्लीकेशन नहीं है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पिक्सेल एप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से न्यू टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। दो बार इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा बैक कर देना है। इसको बैक करने के बाद यहाँ पर अपना नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अपना नाम टाइप कर लेना है। सॉरी, तो इस तरह से अपना नाम टाइप कर लेना है। फ्रेंड्स नाम को टाइप करने के बाद ऊपर में ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको इस जगह पे अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद नीचे ए वाले पे आ जाना। ठीक है, ए वाले पे आने के बाद इस तरह से आपको घसकाना है। घसकाने के बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपने हिसाब से कलर रख लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं व्हाइट ही छोड़ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सही कर लेना है। सही करने के बाद आपको यहाँ से आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो फॉन्ट वाले पे जाना है एंड आपको अपने हिसाब से फॉन्ट रख लेना है। फॉन्ट में भी रख लेता हूँ। उसके बाद सही कर देना है। सही करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड वाले पे आ जाना। ठीक है, बैकग्राउंड वाले पे आने के बाद इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अपने हिसाब से कलर रख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड रख ले रहा हूँ। रेड रखने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको बढ़ाना है, जितना रखना है आपको अपने हिसाब से इसको वाले को भी बढ़ा लेना है। ठीक है, तो दोनों को बढ़ा लेना है इस तरह से, आपको अपने हिसाब से जितना आपको रखना है इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, इस तरह से बढ़ा लेना है। तो दोनों को मतलब साइज मिला कर रख लीजिएगा आप। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में चौथे नंबर पे आ जाना है इस पर। उसके बाद आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद इसे सेव कर लेना है।
चलिए इसे सेव कर लेते हैं। ऊपर में एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना। सेव एज इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिफॉल्ट पे जाना है। डिफॉल्ट पे जाने के बाद यहाँ से अल्ट्रा रख लेना है। अल्ट्रा रखने के बाद इसे सेव टू गैलरी कर देना, ठीक है। सेव टू गैलरी कर लेने के बाद ये फोटो सेव हो जाएगा। फोटो सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ से काइनमास्टर एप्लीकेशन में अब ओपन हो जाना है फिर से, ठीक है। तो जहाँ पे थे हम वहीं पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप फिर से लेयर पे क्लिक कर देना। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम लोग पिक्सल ऐप से भी सेव किए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसे सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस जगह पर अच्छे से लगा लेना है। थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है। इस जगह पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद उसको नीचे साइड से पूरा बढ़ा देंगे, इस तरह से खींच के लास्ट तक, ठीक है। इस तरह से बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद उसको थोड़ा सा हम लोग पीछे से रख लेंगे, फोटो को थोड़ा सा पीछे से रखेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से हम लोग इन एमिनेशन में जाएंगे, ठीक है। इन एमिनेशन में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से ऊपर सॉरी नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक रख लेना है, ठीक है। इंटर स्लाइड अप, इंटर स्लाइड डाउन, आपको जो भी रखना हो अपने हिसाब से आप रख लीजिए, ठीक है। पॉप डाउन, व्हिप डाउन, आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हिप राइट पे रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग दे देता हूँ 2 का, ठीक है। 2 सेकंड का टाइमिंग दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सही कर लेना। सही कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आगे आ जाना है। आगे आ जाने के बाद इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्पीकर वाले पे जाना है। स्पीकर वाले पे जाने के बाद इसको पूरा इस तरह से कम कर लेना है। कम करने के बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। सही कर लेने के बाद आपको यहाँ से आईडी वाले पे क्लिक करना है। आईडी वाले पे क्लिक करने के बाद आपको अपने हिसाब से यहाँ पे आईडी रख लेना है। आईडी को रखने के बाद यहाँ से सही कर देना। सही करने के बाद आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको चलाकर दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से वीडियो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो बन जाने के बाद इसे सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए आपको पता है कि शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो जरा सा भी वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।